और पतियों का तो इतना भाग्य है कि पत्नी मर भी जाए तो भी तिलक लगा सकता है। बेचारी औरत का टेंशन है, ये पति मर गया तो ये तिलक लगाना बंद कर देती है। पर पुरुषों की तो जय जयकार है, पत्नी मर जाए तो भी तिलक चालू रख के तो भी चलता है। तुम्हारी पत्नी मरे नहीं कभी भी, पर फिर भी तुम्हें भगवान ने इतना तो आरक्षण दिया है कि अगर तुम विधवा हो जाओ तो भी तुम रोज चंदन तिलक लगा के ही रह सकते हो, औरत रह सकती। चलिए, आज भगवान विष्णु ने स्वयं यज्ञोपवीत पहनकर गुरु मंत्र लिया, और भगवान जो काम करते हैं वो उनकी औलाद को अवश्य ही करना चाहिए, बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। बृहस्पति ने कहा दक्षिणा दो। बामन भगवान दक्षिणा के लिए पांच स्थान गए, पृथ्वी लोक, अपनी माता के लोक, आकाश लोक, पार्वती लोक और कुबेर के लोक स्वर्ग लोक। पांचों जगह से भगवान को कुछ न कुछ भेंट चढ़ाई गई। आज कुबेर जी के पास में कुछ नहीं था देने को, खाली कमंडल था। कुबेर जी ने सोचा कि मैंने दान नहीं किया इसीलिए मैं गरीब हुआ। आज कुबेर ने अपना खाली कमंडल ब्राह्मण को दान कर दिया। उस खाली कमंडल के दान करने से कुबेर के दिन आज से फिर गए, अच्छे दिन आने लग गए। दान की महिमा इतनी बड़ी है। और जिसके लिए भगवान विष्णु ने बामन का अवतार लिया है वो कौन है? राजा बलि, जो दान कर करके ही स्वर्ग का राजा बन गया और इंद्र की गद्दी पर बैठ गया, और इंद्र धरती में आ गया, भीख मांग रहे हैं। दानी स्वर्ग का राजा बनता है, और जो कमा कमा के जमा करते हैं उनके घर में खाने वाले पैदा ही नहीं होते हैं। इसीलिए उस पे कौवे लड़ते हैं या तो कुत्ते लड़ते हैं महाराज, केस चलते हैं, केस संपत्ति पर। साला कहता है कि मेरी बहन का है, जीजा कहता है कि मेरे साले का है, झगड़े। इसलिए प्यारे बहनों बंधुओं, कहीं एहसान हो जाए कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुओं को बच्चा बंद हो जाए पैदा होना। इसीलिए दान करके कारखाने को खोले रखो। सत्यम सर्वम अधजिरम भागवतम। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ध्यान दिलाते हैं, राजन आज राजा बलि के घर भगवान बामन को बृहस्पति भेज रहे हैं, जाओ राजा बलि के यज्ञ से जो दक्षिणा मिलेगी उसी से मेरी तृप्ति होगी। जो अच्छे ब्राह्मण हैं वो यज्ञ की ही दक्षिणा लेते हैं, अनर्गल धन वो नहीं लेते। यज्ञ भूतम कर्मम ब्राह्मणा पुरुषोत्तमा पुरोहिता। यज्ञ ही ब्राह्मण का श्रृंगार है, यज्ञ ही ब्राह्मण की क्रिया है, यज्ञ ही ब्राह्मण का धर्म है। जो ब्राह्मण यज्ञ करके भोजन करे, यज्ञ करके दान लेवे और देवे, वो ब्राह्मण हमेशा विद्यमान रहता है, वो हमेशा कीर्तिमान रहता है। जो ब्राह्मण यों ही धन लूटते रहते हैं वो धीरे धीरे दरिद्र हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, कम बुद्धि के हो जाते हैं, और एक दिन उनको ऐसा होता है कि उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। आज बृहस्पति ब्राह्मण दान नहीं लेते, जाओ यज्ञ का पवित्र धन लेके आओ मेरे लिए। यज्ञ जिस यजमान ने यज्ञ किया हो उसकी ही दक्षिणा लेता हूं, ऐसा बृहस्पति ब्राह्मण कहते। बामन भगवान लंगोटी लगाकर यज्ञोपवीत पहनकर हाथ में कमंडल लेकर चल पड़े, कहा राजा बलि के यज्ञ की तरफ, जहां पर शुक्राचार्य बैठे थे और यज्ञ शुरू हो रहा था। राजा बलि बैठे यजमान के पद पर यज्ञ शुरू हुआ शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में। बामन भगवान जैसे ही पहुंचे शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी। शुक्राचार्य जी ने देखा तेजस्वी बालक है, तलक लगा है, यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण है, बटुक है। अरे राजा बलि, अगर ये बालक ये ब्राह्मण तेरे घर में यज्ञशाला में पधार गया, इसके पैर तेरी यज्ञशाला में लग गए तो तुझे फिर कोई भी स्वर्ग से नीचे उतार नहीं सकता। इस ब्राह्मण को अवश्य ही तो दान कर दे। जिसके गले में यज्ञोपवीत है, जो लंगोटी पहनता है,
जो शिखा रखता है, जो तिलक करता है, जो कमंडल से ही पानी पीता है, और जो नित्य तीन बार यज्ञ करता है, और जो रोज दान करता है, और रोज गुरु आज्ञा में रहता है, ऐसे ब्राह्मण को अगर तुमने एक रुपया भी दान किया है तो भी तुम्हें स्वर्ग में जाने से कोई रोक सकता नहीं है। पर कहां से लाएं ऐसे ब्राह्मण? बड़ी कठिनाई से भगवान, एक आध दो दुनिया में कोई होंगे जो तुम्हें मिलेंगे नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल है। सद्गुरु कहते हैं, राजन परख कर लो, परख परख कर लो, परख। कभी कभी हमारे सामने से गुजर जाते हैं ऐसी महान मूर्तियां, पर हम परख नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंखों में धोखा 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 समाया हुआ है। बामन भगवान राजा बलि से प्रसन्न हो गए और यज्ञशाला में चले गए, आसन पर बैठ गए, सोने की परात में दूध दही से शहद से पैर धोए गए, आचमन किया गया और श्रृंगार किए गए। भगवान सर्वेश्वरम ब्राह्मणम तत्पुरुषोपाद्य अर्चिता, अपनी बेटी माँ और पत्नी के साथ में राजा बलि ने ब्राह्मण के पैर धोकर चरणामृत पी लिया। ब्राह्मण का सत्कार हुआ और ब्राह्मण को सोने की असरपियां भर के थाल में दान की गई। बामन भगवान ने यजमान से कहा, राजा बलि हम तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तुम्हारे यहां कोई कर्म ही नहीं किया है, तो दक्षिणा लेने का अधिकार हमारा ही नहीं है। बामन भगवान कहते, राजा बलि ने कहा, प्रभु आप तो बहुत छोटे, ये तो मेरी इच्छा है, मैं आपको दान कर रहा हूं, आपने मांगा थोड़ी है ना, बिन मांगे भी मिले तो भी बिना कर्म की दक्षिणा ब्राह्मण को नरक में ले जाती है, हमसे यज्ञ करवाओ। हाँ आप यज्ञ जानते हैं, इतने छोटे? बामन भगवान कहते हैं, तू छोटा शरीर से है, तुझे मालूम नहीं हम कौन है? शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसने गुरु मंत्र ले लिया, यज्ञोपवीत ले लिया, वो प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जाति का ब्राह्मण ही हो जाता है, वो फिर अपने वर्ण में नहीं रहता है। यज्ञोपवीत पहनकर गुरु मंत्र लेने वाला ब्राह्मण ही कहलाता है। ब्राह्मण के लिए कोई अलग से जन्म नहीं लेना पड़ता है। यज्ञोपवीत हो, मंत्र हो आपके पास में, सदाचार हो, लंगोट हो, सब जाति सारी जातियां ब्राह्मण हो सकती हैं महाराज। बोलिए, कितने ऋषि कितने मुनि जिन्होंने क्षत्रियों के घर में जन्म लिया, वैश्यों के घर में जन्म लिया, शूद्रों के घर में जन्म लिया, पर ब्राह्मणों की तरह उनकी पूजा हो रही है आज। बोलिए, संत रविदास का जन्म कहां हुआ? ब्राह्मण के घर में थोड़ी हुआ। कबीर जी का जन्म ब्राह्मण के घर में थोड़ी हुआ। पर सदाचार सिद्धांत वेदगामी जो जीवन जीते वो ब्राह्मण ही हैं। आज स्वयं प्यारे बंधु, जो प्राणी रोज यज्ञ करता है, जो प्राणी रोज यज्ञ करता है और यज्ञ करके अगर वो एक एक नया पैसा भी रोज दान करता है, ऐसे आदमी के घर एक दिन भगवान भी भिक्षा लेने के लिए आते हैं। जो राजा बलि करते हैं, आज भगवान पहुंच गए उनके घर में। दो पग जमीन राजा ने भगवान को आरूढ़ की। भगवान ने कहा, नत्वैर देवम पृथ्वी भ्याम, बस और नहीं चाहिए, दो पग। राजा कहते हैं, प्रभु इतनी तो आपको चाहिए, मेरी तरफ से तो कुछ लो। तो कहा, एक पग और, तीन पग जमीन। बड़ी मुश्किल में जिंदगी हो गई। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बामन भगवान ने एक पग जमीन से सारी धरती खत्म कर दी, दूसरे पग में अंतरिक्ष भूमंडल खत्म कर दिया। राजा बलि को तनिक सा अभिमान हुआ था, उस अभिमान की वजह से भगवान पधारे और राजा बलि के अभिमान को खत्म करने के लिए प्रभु ने यह लीला की है। आज राजा बलि नीचे को गर्दन डाल के खड़े हैं, मैं ऐसा दानी था, आज मैं एक पग जमीन दान नहीं कर सकता, माया भी परमात्मा ने राजा का सब धन छिना लिया। इसलिए बहनों भाइयों, दान चाहे जितना करो,
पर तुम जो दान कर रहे हो ये धन तुम्हारे और तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सारी संपत्ति उसी ठाकुर की है। हाँ, सारी संपत्ति भगवान की है। सब धरती से निकलता है, जितने भी कागज के नोट बनते हैं ये सब लकड़ियों से बनते हैं, बांस की लकड़ी से नोट बनता है। जो बांस छप्पड़ में लगाया जाता है उसी से हजार का नोट भी बनता है। तो ये सारी संपत्ति धरती माता लक्ष्मी की है, तुम्हारी नहीं है। इसलिए कभी मत कहना हमने इतना दान किया, हमने ये किया, हम तो हमेशा करते। हमेशा भाव रखो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस इस भाव की जिंदगी को जियो और अपना नित्य धर्म समझकर परमात्मा ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम आज कुछ सत्कर्म कर पा रहे हैं। प्रभु ये कर्म हमारा निरंतर चलना चाहिए, बिना अविरोध के, बिना रुके। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो और हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम कभी भी सत्कर्म से पीछे न हटें। बस यही भगवान से दुआएं करो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोत, भगत भर दे रे जोत, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे गगन है सारा, ढोल उठी है सारी धरती देख रे, ढोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर तू कर ले अपना नाम, भगत भर दे जो आ, भगत भर दे जो आ, भगत भर दे सर्वोत्तखिल विदम् न भावातीतम् यदो जिरम् ब्राह्मणोत्कृतम् फलः। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ब्राह्मण के दान की कथा सुनाते हैं। राजा बलि ने नतमस्तक होके वामन भगवान के चरणों में कहा, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं कैसे अपने वचन को पूरा करूं? अगर तुम्हारा वचन कभी झूठा भी पड़ रहा हो तो उस समय आपको भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। भगवान मैंने वचन दिया है ब्राह्मण को, मेरा वचन सत्य करो। भगवान तुम्हारे वचन को सत्य करेंगे और वो स्वयं आकर तुम्हारे सिर पर विराजमान होकर तुम्हारे भाग्य रेखाएं बदल देंगे। जीवन में जो वचन गुरु को दिया हो उसे मर के भी पूरा करना चाहिए, तो ही स्वर्ग मिलेगा, तो ही स्वर्ग सिंहासन मिलेगा और तो ही जगत कीर्ति प्राप्त होगी। सर्वतखिलमिदम् न भावान भागवतम यथानाम। आज ये यज्ञ आप सबके सहयोग से कुंभ में, नासिक की सुंदर सी नगरी में, राम की तपस्थली में पूरा हो रहा है। सबने सहयोग किया है, पर यहां पर इस कथा के जो विशेष सहयोगी हैं, जिन्होंने तन मन धन से आज
बड़ी यज्ञशाला में विष्णु यज्ञ को पूरा किया। आज राजा बलि का यज्ञ पूरा हो रहा है, दक्षिणा बट रही है, स्वयं भगवान पधारे हैं और राजा बलि को आशीर्वाद दिया गया कि हे राजा बलि, स्वर्गाधिपतित्व वेद पुण्यम, अरे क्षीर सागर में हम रहते हैं, जाओ स्वर्ग तुम देवताओं को दे दो और स्वर्ग की जगह हम तुम्हें क्षीर सागर दान करते हैं। आज भगवान विष्णु ने वामन के अवतार लेकर के राजा बलि के दान से प्रसन्न होकर स्वर्ग देवताओं को दिलवाया और अपना लोक क्षीर सागर राजा बलि को भेंट कर दिया। चंद्रकांत जी, स्वयागतम नदानान पुण्यम, तुम्हारी वजह से भागवत जो है रच रही है, आपने बड़ा अपनी पवित्र कमाई का सहयोग किया है। लीजिए, सर्वम न देवो ताम ताम। आज तक का मेरा जो क्षीर सागर है, ज्ञान सागर है, वो सब यजमान को समर्पित करते हैं और बचा कुचा आपको देंगे कल से। सर्वो नखलमिदं भागवतम यथाजरम त्वयागतम पुण्यम अमृतो अधित्वम यस कीर्तिनाम अधपूर्वाः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। यजमान बनने का यही तो फायदा है, कब गुरु कृपा करेंगे और ये अपने गले का हार उतार के कब यजमान के गले में डालेंगे, ये तो बड़ी किस्मत से मिलता है। इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ा पुण्य करना पड़ता है, बड़ा सहयोग करना पड़ता है। प्यारे बहनों भाइयों, आज राजा बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया। तीन पग जमीन का मतलब होता है तन मन और धन। फिर से बोलो, तन मन मन धन। तन मन धन तीनों जो अपने इष्ट के चरणों में अर्पण कर देता है, इष्ट अपने शिष्य को अपने ही धाम का मालिक बना देता है, अपने पुण्य का मालिक बना देता है। आज राजा बलि स्वर्ग के राजा बने नहीं, क्षीर सागर के मालिक हो गए और स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में राजा बलि के चौकीदारी की रक्षा के लिए द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। महाराज जो दानी हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसीलिए थोड़ा ही क्यों पर रोज दान हमें करना ही चाहिए। कितना भी छोड़ के चले जाओ पर तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे, और अगर तुमने दान किया है तो अवश्य तुम्हारे पापों को विनाश मिलेगा, क्षीणता मिलेगी। सदगुरु सुखदेव राजा बलि और वामन भगवान की कथा सुनाते हैं, कहते हैं, देव आज भगवान विष्णु ने देवताओं को फिर एक चांस दे दिया स्वर्ग में जाने का। बार बार ये चांस मिल रहा है, जब भी दुख से परेशानियों से छुटकारा मिले और हम अब अच्छी तरह जिंदगी जीने लगे तो हमें बची हुई जिंदगी भगवान के ही नाम से गुजारनी चाहिए। आज देवताओं को फिर से स्वर्ग मिल गया, और देवताओं को स्वर्ग क्यों मिला, क्योंकि माता ने तप किया। माता पिता का पुण्य बच्चों को मिलता है, बच्चों का पुण्य मां बाप को नहीं मिलता, यह ध्यान रखना। इसलिए माता पिता के पुण्य को जो लेना चाहते हैं उन्हें यज्ञ आदि दान पूजा करनी चाहिए। आज माँ ने पूजा ताप दान किया तो बच्चे सुखी हो गए, बच्चों का कार्य सफल हुआ, उसके बाद में सातवें मनमंत्र की कथा का विश्राम हुआ है। अब हम सातवें मनमंत्र के बाद कहते हैं, सतयुग के बाद में त्रेता युग आता है और त्रेता युग में भगवान ने जो जो रूप धारण किए हैं वो रूपों का दर्शन हम छोटा छोटा आपको अवश्य करवाएंगे। क्यों, ये कथा भगवान कृष्ण की है, इसमें जिस भगवान की कथा हो उसको ही बड़े पर्दे पे दिखाना पड़ता है। इसीलिए जोर से बोलिए, सिया बलराम की जय। भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय, शनत कुमारों के श्राप से राक्षस हुए, तीन बार हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में राक्षस हुए तो भगवान ने उनके उद्धार का वचन दिया, तो उद्धार के लिए भगवान वराह बन के आए और भगवान नरसिंह बन के आए। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म हुआ,
भगवान ने राम जी बनकर के उनका उद्धार किया है, और तीसरी बार शिशुपाल और दंत वक्र बन के अवतार हुआ, तो भगवान ने अंतिम अवतार लिया है उनके लिए, राक्षसों के लिए कृष्ण अवतार। बहनों भाइयों, आज कृष्ण कथा को मैं बहुत दिन से थोड़ा अच्छे से नहीं सुना पाया, आज समय है थोड़ा कथा को थोड़ा बहुत तो आपके साथ जोड़ेंगे। एक बार अच्छे हृदय से राम जी को प्रणाम करो, राम जी नाराज ना हो जाएं। वंदनम राम रामेति रामेति रमो नमः, नमः रामोति रामः। हे प्रभु राम, हम आपको भागवत में भी, कृष्ण कथा में भी, हम कृष्ण और राम में न अंतर समझते हुए आपकी मर्यादा को प्रणाम करते हैं। आपकी कथा हमें क्षण मात्र से प्रभावित करती है, इसलिए मर्यादा का पालन करते हुए हम आपके दूसरे अवतार कृष्ण की कथा से लालच करते हैं, उसे हम विस्तार से सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। कृपा करें, राम जी की ही कथा है ये कृष्ण कथा। पहला जन्म राम, दूसरा जन्म श्याम, इसीलिए किसी ने सही कहा कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, दोनों एक ही हैं। राम अवतार में जो काम शेष रह गए उसके लिए प्रभु दोबारा अवतार लेके आए, शेष खत्म करने के लिए, और इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ में शेष का अवतार हुआ है, क्योंकि त्रेता युग में जो शेष रह गया वो शेष उनके पहले आया है द्वापुर में, और उस शेष का नाम है बलिराम। अगर शेष होता नहीं तो आता कहां से बताओ? त्रेता युग में भगवान राम जी के जो कर्म शेष रह गए वही शेष बड़े बन करके आए हैं बलिराम के रूप में। महाराज, राजा परीक्षित ने सतगुरु सुखदेव से पूछा, भगवान तो समर्थवान है, अरे सामर्थ्यवान होकर भगवान को अवतार लेने की, मनुष्य बनने की आवश्यकता क्या है? हे राजन, तुम्हारा प्रश्न उपयुक्त है, उचित है। अरे भगवान मनुष्य इसलिए बने क्योंकि मनुष्य को शिक्षा चाहिए, शिक्षा, और ये मनुष्य इतनी बुरी खोपड़ी का होता है कि ये किताबों से नहीं सीखता, इसके सामने सारे काम प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं तब इसकी समझ में आता है, इसको कहते हैं चमत्कार। तुम में से एक भी आदमी इतना अच्छा नहीं है कि बिना चमत्कार के तुम किसी को प्रणाम करें श्रद्धा से, तुम सब ऐसे चमत्कार देखेंगे तो ही तुम नमस्कार करेंगे। भगवान ने कहा कि प्रभु अपने चमत्कार के लिए मानव बन के आए, और मानव बन के मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु ने दुख सुख की लीलाएं की। कारण, कारण गीता में अर्जुन को भगवान ने बताया है, सब लोग मिलके बोलो, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्जुन, मेरा आगमन धरती लोक पर तब तब होता है जब जब लोगों की बुद्धि में धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती है। धर्म के प्रति ग्लानि हो जाए, मदरा से प्रेम कर ले, माया से प्रेम कर ले, धर्म से ग्लानि हो जाए, तब तब मेरा पाठ पढ़ाने के लिए गीता लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जब ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं तब उनका खात्मा करने के लिए मैं मानव का शरीर धारण करके धरती लोक में प्रकट होता हूँ, और जब जब गाय के ऊपर विपत्ति आती है, गाय भूखी मरती है, तब तब मैं शरीर धरकर उनकी सेवा और रक्षा करता हूँ। आज वैसी ही कथा भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान ने हर लीला में ये दर्शन करवाया कि भगवान दुष्टों के लिए, खात्मा करने के लिए, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए अवतार लेकर आए। चलिए भगवान का थोड़ी देर मंत्र जाप करें, फिर कथा सुनें।
श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा भार पापों का बढ़ गया। पृथ्वी माता पापों से व्याकुल होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची। महाराज आप समझ रहे कथा, आपत्ति में भगवान की चरण में ही दुनिया जा रही है। पृथ्वी सबका वजन सहन कर रही है, फिर भी पृथ्वी को ब्रह्मा के चरण में जाना पड़ा, क्योंकि पाप का वजन सहन करना बहुत कठिन है। परिवार का वजन सहन कर लेंगे, शासन का वजन सहन कर लेंगे, दुखों का वजन सहन कर लेंगे, पर पापों का बोझ इतना भारी है वो किसी से सहन नहीं होता। फिर भगवान ही भगवान नजर आता है। धरती के ऊपर इतना अत्याचार, गौओं की कत्ल, इतनी सारी दुर्गंधता दुष्टता, पृथ्वी नाराज हो गई। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो, मुझे बचाओ, कोई मार्ग बताओ जिससे मेरी रक्षा हो सके। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के घर पहुंचे, वैकुंठ में।